भाई अभी हमारे पास है वैगनर के सीरीज, जिसमें हमने लगाए हैं लूज सीट कवर वेलवेट लुक वाले। इनकी डिटेल वीडियो हम पहले भी बना चुके हैं कई बार, फिलहाल आपको दिखाते हैं वैगनर के सीरीज में लुक कैसा आता है। ग्रे कलर का जो सीट कवर है इसमें लगा है, इसको आप टॉवल सीट कवर भी कह सकते हो या वेलवेट सीट कवर कह सकते हो, लूज सीट कवर कह सकते हो। तो कुछ इस तरह का ये फर वाला होता है, एक तरीके से सॉफ्ट टच होता है इसमें। आगे की सीटें के जो हेडरेस्ट हैं वो अलग होते हैं, तो उसी हिसाब से अलग हेडरेस्ट वाले सीट कवर इसमें आपको मिलते हैं जो इसके ऊपर फिट हो जाते हैं। आगे की सीट पूरी इसमें सिंगल जुड़ी होती है, जो आप आराम से खुद भी चढ़ा सकते हैं, वॉशेबल होते हैं। ये ऊपर का हेडरेस्ट हो गया, देखिए ये नीचे से यहाँ से बंधा हुआ है, और इसके बाद ये पूरा हो गया सिंगल सीट कवर, आगे से लेके और ऊपर से नीचे तक, आगे से पीछे तक पूरा सिंगल होता है। और हमने ये डोरियाँ जो हैं यहाँ पे इसकी बांध दी हैं, और दोनों तरफ की डोरियों को सिर्फ बांधना होता है और कुछ भी नहीं होता है इसमें फिट करने के लिए। तो ये आप देख सकते हैं आराम से इसमें ये फिट हो गया बिल्कुल अच्छे से। अभी ये डोरियाँ वोरियाँ नीचे इसके चली जाएंगी खींच के, फिलहाल आपको दिखा रहे हैं हम इसको फिनिश करने से पहले। तो कुछ इस तरीके से आप इसमें देख सकते हैं, कलर ऑप्शन आपको और भी मिल जाएंगे, वाइट, ग्रे, गोल्डन, ब्लू, कई सारे। अब बात करते हैं इसकी पीछे वाली सीट की कि इसकी फिटिंग कैसी होती है। जैसा कि वैगनर के सीरीज में है कि जो बैक साइड की सीट है यानी कि बैक वाली, वो होती है सिंगल में। ये नीचे वाली तो सिंगल ही है, लेकिन बैक वाली इसमें कपड़े में जो यानी कि सीट कवर में जो आपको मिलेगी वो सिंगल होती है, जबकि गाड़ी के अंदर जो ये सीट है ये डबल पार्ट में होती है। लेकिन आपको सीट कवर में ये पूरी सिंगल मिलेगी, आप देख सकते हैं पूरी सीट एक साथ खुलेगी अगर आपको नीचे की तरफ इसको झुकानी हो तो। और कुछ इस तरीके से ये इसमें फिट हो जाती है। दोनों हेडरेस्ट पीछे वाले भी इसमें अलग होते हैं, तो वो आप अलग वाले ही मिलेंगे, आराम से आप उसको चढ़ा सकते हैं। और आपको दिखाते हैं इसको पीछे से एक बार किस तरीके से बांधा गया है, वो भी एक बार आप देख लीजिए। तो सेम जैसे हमने आगे वाले सीट कवर को चढ़ाया, उसी तरीके से इन सीटों के ऊपर भी इसको पहना दिया गया है। और ये जो डोरियां हैं ये इसकी पीछे खींच के बंध जाती हैं, जो बैक साइड के अंदर रहती हैं। और ये पीछे से आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इसमें है डबल सीट है, और आगे से सीट कवर जो है वो पूरा का पूरा सिंगल है। यानी कि आपकी सीट जो है बैक में वो दो पार्ट में है, 60-40 के साइज में होती है ये, लेकिन सीट कवर में ये पूरी सिंगल हो जाती है। डबल पार्ट में ये सीट कवर नहीं बनता है, सिंगल सीट में ये आपको मिलेगा। और ये अंदर ही हमने छोड़ दिए हैं सीट को नीचे करने के लिए, तो आप आराम से कपड़े का सीट कवर है तो उसको यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से किसी भी गाड़ी के अंदर आप फिट कर सकते हैं, बस थोड़ा बहुत उसका फिटिंग में 19-20 का डिफरेंस आता है। हर गाड़ी हर मॉडल के लिए आपको मिल जाएंगे। कलर ऑप्शन की बात करें तो 4-5 कलर ऑप्शन आपको आराम से मिल जाते हैं इसमें, वाइट, ग्रे, गोल्डन, ब्लू, ब्लैक, ये 5 कलर ऑप्शन तो आराम से इसमें मिल जाते हैं। अगर नॉर्मल टॉवल चाहिए तो वो भी मिल सकता है। फिटिंग करने का जो स्टाइल है वो सेम है, यानी कि सिर्फ इसको ऊपर चढ़ाना ही होता है और नीचे इसकी डोरियां बांधनी होती हैं, बहुत आसान है। इस वीडियो में आपने देखा वैगनर के सीरीज की फिटिंग को। अगर आपको किसी और गाड़ी के लिए चाहिए तो सारी डिटेल वीडियो चैनल पर अवेलेबल हैं, ज़्यादातर के परचेज लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर कोई रह गए हो तो आप उसकी डिटेल हमसे कमेंट करके ले सकते हैं। मिलते हैं एक और नई वीडियो में जल्दी ही, इसका जो परचेज लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। मिलते हैं एक और नई वीडियो में जल्दी ही, जय हिंद। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं एक और नई वीडियो में जल्दी ही किसी और गाड़ी किसी और कार एक्सेसरी प्रोडक्ट के साथ। जय हिंद।